देश के दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को तीसरी बार धमकी भरा मेल आया है। इस बार फिरौती की रकम जो मांगी गई है वो 400 करोड़ रुपए है। बता दें कि सोमवार 30 अक्टूबर को ईमेल के जरिए मुकेश अंबानी को धमकी दी गई। इसी मेल आईडी से मुकेश अंबानी को दो बार पहले भी धमकी आ चुकी है। सबसे पहले इस मेल के जरिए 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी को धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी, जबकि दूसरी बार फिरौती के लिए मेल 28 अक्टूबर को आया था, लेकिन इस बार फिरौती की रकम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई। अब जो मेल आया है इसमें फिरौती की रकम बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस मेल में क्या लिखा गया है ये भी आपको बता देते हैं। इस मेल में लिखा गया है, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब रकम 400 करोड़ हो गई है, तुम्हारी सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, हमारा एक स्नाइपर काफी है। एक के बाद एक लगातार तीसरी धमकी भरी मेल के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि जिस मेल आईडी के जरिए अंबानी को धमकी दी जा रही है वो किसी शादाब खान के शख्स की और मेल बेल्जियम से आया है। हालांकि पुलिस इसकी जांच भी कर रही है कि क्या ये सही व्यक्ति की आईडी है। साथ ही पुलिस बेल्जियम की मेल प्रोवाइडर कंपनी से भी संपर्क कर रही है और उनसे इस मेल आईडी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल भी अंबानी को धमकी भरा मेल आया था। इस मेल में अंबानी के बंगले एंटीलिया को उड़ाने तक की धमकी दे दी गई थी। अब क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, देश के सबसे अमीर शख्स और सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं रहने देना चाहती। ये ईमेल शरारती तत्वों ने भेजे हैं या वाकई मुकेश अंबानी की जान को कोई खतरा है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है, अंबानी आवास की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन अंबानी को आ रहे धमकी भरे ईमेल्स की गुत्थी सुलझाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रही टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।